दोस्तों, ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं। प्रत्येक इंसान के जीवन में एक ऐसा समय जरूर आता है जब वो जीवन के सभी सुखों की चरम सीमा पर होता है, फिर चाहे वह जवानी हो, पैसे या फिर खूबसूरती इत्यादि का सुख हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बात भी हम सभी लोग जानते हैं कि इनमें से कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, फिर चाहे वो पैसा हो या फिर खूबसूरती। और यही बात वास्तविक जीवन के साथ ही सिनेमा के पर्दे पर भी लागू होती है। तो ऐसे ही बॉलीवुड में कुछ मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्रियां रहीं जिन्होंने अपनी एक्टिंग के हुनर और खूबसूरती से दर्शकों के दिलों पर बिजलियां गिराईं। लेकिन क्या आप आज की उनकी रियल लाइफ से परिचित हैं, जैसे कि वो क्या कर रही हैं और देखने में कैसी हो चुकी हैं? तो आइए जानते हैं मिथुन चक्रवर्ती के फिल्मों में काम कर चुकी कुछ खूबसूरत अभिनेत्रियों के बारे में। तो इस लिस्ट में हमारे पहले नंबर पर हैं अनीता राज। लो ये कंबल लो, बहुत सर्दी है। अरे लो ना, कंबल सभी को जिद है। और तुम? अरे अपना क्या, हम तो सिपाही हैं सिपाही, कोई शक? अपनी फिकर करो और मेरी फिकर छोड़ो। दोस्तों, 80 के दशक की हिंदी सिनेमा में खूबसूरत अभिनेत्री अनीता राज ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ कई फिल्मों में काम किया, जिनमें गुलामी, कर्म युद्ध, करिश्मा कुदरत का, एक और सिकंदर और हमसे न टकराना इत्यादि। जिनमें कुछ फिल्मों में इन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के अपोजिट तो वहीं कुछ फिल्मों में अन्य कलाकारों के अपोजिट काम किया जिन्हें दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद किया गया। आपको बता दें, ये जाने माने फिल्म अभिनेता जगदीश राज की बेटी हैं, जिन्होंने फिल्मों में ज़्यादातर एक पुलिस इंस्पेक्टर के ही किरदार निभाए हैं। इन्होंने अपने जोरदार फिल्मी करियर के बीच ही फिल्म निर्देशक सुनील हिंगोरानी से सन 1986 में शादी कर ली और फिल्मों में कुछ समय के लिए काम करना बंद ही कर दिया। लेकिन इसके बाद इन्होंने फिर से फिल्मों में काम करना शुरू किया और 90 के दशक में कई सारी हिट फिल्मों में काम किया। आज के समय में अनीता राज पहले के मुकाबले बिल्कुल अलग नज़र आती हैं, क्योंकि इनकी उम्र 58 वर्ष हो चुकी है और फिल्मों से दूर अपने परिवार के साथ रहती हैं, जिनमें इनके पति सुनील हिंगोरानी और बेटे शिवम हिंगोरानी हैं। इस लिस्ट में हमारे दूसरे नंबर पर हैं डिंपल कपाड़िया। इसी मिलन के इंतजार में 30 साल आंसू पिए हैं मैंने। लो सूरज, मुझे अपने सीने से लगा लो और मेरी जुदाई की तड़प को शांत कर दो। मैं भी तुम्हारे मिलन को बहुत तरसा हूं निशा। दोस्तों, बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकाराओं में से एक डिंपल कपाड़िया ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ 20 साल बाद साजिश, लड़ाई और प्यार के नाम कुर्बान जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया, जिनमें इनकी जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद भी किया और यही वजह रही कि इनकी कई फिल्में सुपरहिट भी साबित हुईं। वैसे आपको बता दें, डिंपल कपाड़िया ने सन 1973 में मात्र 16 वर्ष की उम्र में सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी कर ली थी और उसके बाद इन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया और पूरी तरह से अपने परिवार में व्यस्त हो गईं। लेकिन फिर 11 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से इन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। दोस्तों, कहते हैं ना, एक कलाकार समय की पाबंदियों की वजह से भले ही अभिनय करना छोड़ दे, लेकिन कला के प्रति उसका सम्मान और आकर्षण सदैव बना रहता है और मौका मिलते ही वो उसका उचित प्रयोग करने लगता है। और ठीक ऐसा ही किया अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया ने जब इन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की दूसरी पारी सन 1984 की फिल्म जख्मी शेर से शुरू की, जिसमें इनके हीरो थे जितेंद्र साहब। डिंपल कपाड़िया ने अपनी इस फिल्म के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक सिनेमा की बड़ी बड़ी हिट फिल्मों में दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम किया। आपको बता दें, खन्ना साहब से शादी करने के बाद इनकी दो बेटियां हुईं, बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना और छोटी बेटी रिंकी खन्ना। इनकी बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना ने अपना नाम श्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर दर्ज करवाया और बहन की छोटी बेटी रिंकी खन्ना हिंदी फिल्मों में कामयाब ना हो पाईं। आज के समय में डिंपल कपाड़िया की उम्र 63 वर्ष की है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लगातार फिल्मों में सक्रिय हैं। इस लिस्ट में हमारे तीसरे नंबर पर हैं मंदाकिनी। वो मुन्नी भाई जिसका तुम जिक्र कर रही हो, वहां मैं गया जरूर था, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, मजबूरी से। अपनी अय्याशी को मजबूरी का नाम ना दो। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा दिल मुझसे भर गया था, इसलिए तुम मुन्नी बाई के पास गए थे। दोस्तों, मंदाकिनी और मिथुन चक्रवर्ती की जोड़ी ने एक समय पर बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया। इन्होंने एक साथ कई फिल्मों में काम किया, जिनमें जाल, डांस डांस, जीते हैं शान से, प्यार के नाम कुर्बान, कमांडो, परम धर्म और दुश्मन इत्यादि, जिनमें से इनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफलता बटोरती नजर आईं। वैसे आपको बता दें, मंदाकिनी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सन 1985 की फिल्म राम तेरी गंगा मैली से की थी,
जो कि फिल्मों के मशहूर एक्टर और डायरेक्टर राज कपूर साहब ने डायरेक्ट की और जिसमें राज कपूर साहब के बेटे रणधीर कपूर ने काम किया, जो कि बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इस तरह से मंदाकिनी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हाथों हाथ लेने लगे और इन्होंने आग और शोला, लोहा, प्यार करके देखो, तेजाब, जंगबाज, शेषनाग और जोरदार जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन इनकी ज्यादातर फिल्में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के साथ ही रिलीज हुईं, जिनमें से कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट भी साबित हुईं। इन्होंने सन 1990 में डॉक्टर कंग यू टी रिनपोछे ठाकुर से शादी की, जिससे इनका एक बेटा रब्बील और बेटी राब्जे हुए। आज के समय में मंदाकिनी फिल्मों से दूर हैं और मुंबई में ही तिब्बतन हर्बल सेंटर चलाती हैं और साथ ही बच्चों को योगा भी सिखाती हैं। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको बता दें, ये इंस्टाग्राम पर सक्रिय हैं। आप चाहें तो मंदाकिनी ऑफिशियल सर्च करके इनसे जुड़ सकते हैं। इस लिस्ट में हमारे चौथे नंबर पर हैं श्रीदेवी। ये उस राधा की अपील थी जो मदहोश थी और अब इसे उस राधा ने फाड़ा है जो होश में है। I'm really very sorry, Inspector. अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जा सकते हैं। दोस्तों, हिंदी सिनेमा जगत की सबसे मशहूर जोड़ियों में से एक श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती की जोड़ी से भला कौन परिचित नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने रील लाइफ के अलावा रियल लाइफ में भी अपने अफेयर्स को लेकर खूब सुर्खियां बटोरी हैं। वैसे इन्होंने पहली बार सन 1984 की फिल्म जाग उठा इंसान में काम किया, जहां से इनके अफेयर्स की खबरें आनी शुरू हो गईं। और ऐसा कहा जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती ने शादीशुदा होने के बावजूद भी श्रीदेवी से शादी कर ली, लेकिन जब मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली ने इन्हें जमकर गालियाँ दीं तो ये श्रीदेवी से अलग भी हो गए। लेकिन इसी बीच इन्होंने श्रीदेवी के साथ वतन के रख वाले, वक्त की आवाज़ और गुरु जैसी फिल्मों में काम किया। श्रीदेवी ने सन 1996 में फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर से शादी कर ली, जिससे इनकी दो बेटियां हुईं, जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि श्रीदेवी जी आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन हिंदी सिनेमा जगत इनके अच्छे काम के लिए इन्हें एक श्रेष्ठ अभिनेत्री का दर्जा सदैव देगा, क्योंकि इन्होंने अपने करियर में ऐसी फिल्में और ऐसे रोल प्ले किए हैं जो कि कई अभिनेत्रियों के लिए नामुमकिन हैं। तो दोस्तों, ये थी मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम कर चुकी कुछ मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्रियाँ, जिन्होंने अपने खूबसूरती और अपने गजब के अभिनय से बरसों तक लोगों के दिलों पर राज किया। लेकिन आज के समय में वही अभिनेत्रियाँ अपनी खूबसूरती लगभग खो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ अभिनेत्रियाँ फिल्मों में आज के समय में भी काम कर रही हैं, और वहीं कुछ अभिनेत्रियों ने फिल्मों में काम करना बंद करके अपने परिवार को संभालना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ हमारा आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें, तथा बॉलीवुड से जुड़े इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।